1962 में जब सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा था, तब अमेरिकी सरकार अमेरिका की हर फैमिली को सीक्रेट बंकर, जो कि परमाणु हमले से बचने के लिए सुरक्षित होते हैं, उन्हें बनाने के लिए इनकरेज कर रही थी। डॉक्टर केल्विन बेवर भी उनमें से एक ही थे। उन्होंने अपने घर के पीछे सीक्रेट बंकर बनाया था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान डॉक्टर केल्विन को यकीन था कि किसी भी समय परमाणु हमला हो सकता है। उस रात वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन को बंकर में ले जा रहे थे। ठीक उसी समय एक प्लेन उनके घर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन पायलट का कंट्रोल प्लेन से छूट जाता है और वो प्लेन उनके घर के ऊपर क्रैश होता है। केल्विन को लगता है कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया है। वो तुरंत अपनी पत्नी को बंकर में ले जाते हैं और बंकर को बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि इस बंकर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर ये बंकर एक बार लॉक हो गया तो 35 सालों के बाद ही खुल सकेगा। दरअसल परमाणु हमले के बाद वातावरण पूरी तरह से जहरीला हो जाता है और एक बार फिर से नॉर्मल वातावरण होने के लिए कम से कम 35 साल लग जाते हैं। इसीलिए इस बंकर को भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया था। अब इसका मतलब ये है कि केल्विन और उसकी पत्नी बंकर में 35 सालों के लिए बंद हो चुके हैं और ये दोनों समझ रहे होते हैं कि ऊपर परमाणु युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन असलियत में ऊपर होता कुछ और ही है। धमाके के बाद केल्विन और उसकी पत्नी की लाश ना मिलने की वजह से उनके सभी रिश्तेदार ये समझते हैं कि ये दोनों मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ केल्विन की पत्नी हेलेन प्रेग्नेंट होती है और वो एक बच्चे को जन्म दे देती है और वो दोनों इस बात को सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं कि ये फिर से मानव जाति को बढ़ाएगा। दरअसल उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ऊपर वातावरण बिल्कुल जहरीला हो चुका होगा और सभी लोग मर चुके होंगे। डॉक्टर केल्विन एक वैज्ञानिक हैं, इसलिए उन्होंने इस बंकर को इस हिसाब से बनाया होता है कि ये यहाँ पर 35 सालों तक जिंदा रह सके। मतलब कि खाने पीने का सामान, बिजली, पौधे, यहाँ तक कि एक फिश टैंक भी, जिससे उन्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। अब धीरे धीरे इन तीनों को यहाँ पर रहने की आदत पड़ चुकी होती है। एडम अब काफी बड़ा हो चुका है। डॉक्टर केल्विन अपने बेटे को कई चीजें सिखाते हैं। 1965 में बंकर के ऊपर एक कैफे बनाया जाता है। वहां नीचे एडम ऊपर की जिंदगी के सपने देखता रहता है, लेकिन उसे साइंस, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, यहां तक कि पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हेलेन उसे सोशल स्किल्स और डांस आदि सिखाती है। वहीं ऊपर 1975 में वो कैफे एक बार में बदल चुका है। वहीं नीचे डॉक्टर केल्विन एडम को स्टॉक मार्केटिंग और दूसरी भाषाओं की नॉलेज भी देते हैं। एडम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया था। फिर डॉक्टर केल्विन एडम को बेसबॉल बैट कार्ड देते हैं, जो आगे जाकर बहुत ही रेयर होने वाला है। फाइनली 35 साल बाद 1997 आता है। अब बंकर की भी हालत काफी खराब होने लगी थी और फिर ऑटो लॉक भी स्विच ऑफ हो जाता है। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है कि अब वो 35 साल बाद बाहर जाने वाले हैं। वहीं ऊपर एक आदमी था, अचानक जमीन हिलने लगती है। दो होमलेस लोग सोचते हैं कि कोई भूकंप आया है। प्लान के मुताबिक रेडिएशन शूट में केल्विन बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही होमलेस मैन बेहोश हो जाता है। केल्विन को पता चलता है कि उनका एक घर बार बन चुका था। आज के समय में डॉक्टर केल्विन ऐसी चीजें देखते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो ऊपर अलग अलग लोगों से मिलकर सवाल पूछने लगते हैं, फिर घबरा कर बंकर में जाने का फैसला करते हैं। बंकर में वापस पहुंचने के बाद वो अपनी फैमिली को बताते हैं कि ऊपर सभी इंसान म्यूटेट हो चुके हैं और अभी ऊपर जाने में बहुत खतरा है, और डॉक्टर केल्विन बंकर में ही रहने का फैसला करते हैं। लेकिन ये सुनकर हेलेन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें और समय बंकर में नहीं रहना था। लेकिन तभी केल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और इसी के साथ उनका भोजन पानी भी खत्म हो रहा था। इसलिए हेलेन एडम को ऊपर भेजकर सभी जरूरतों का सामान मंगवाने का फैसला करती है। फिर एडम पैकिंग करता है और वो बंकर से पहली बार ऊपर जाने वाला था। डॉक्टर केल्विन एडम को बताते हैं कि वो अडल्ट बुक स्टोर के पास भी ना जाए, क्योंकि वहां पर ज्यादा रेडिएशन होता है। फिर एडम ऊपर आता है, जिसे देखकर वो होमलेस आदमी फिर से बहुत डर जाता है। एडम पहली बार असली आसमान देखकर बहुत खुश होता है। घूमते समय वो अडल्ट बुक स्टोर को देखते ही वो डर कर वहां से सभी को भगाने लगता है, क्योंकि उसके डैड ने बताया था कि उसमें जहरीली गैस है। बस में भी एडम अजीब बातें कर रहा था, जिसे लोग उसे पागल समझते हैं। फिर एडम फाइनली स्टोर पहुंचता है, जहां स्टोरमैन उसे कहता है कि अगर वो ज्यादा ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर उसके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन तभी एडम को याद आता है कि वो अपने घर का रास्ता तो भूल ही गया था, जिससे वो बेचारा शहर में खो जाता है। एडम अब बार को ढूंढ रहा था, जिसके नीचे उसका बंकर है। अब उसके पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के क्लासिक बेसबॉल कार्ड को बेच देगा। शॉप ऑनर कार्ड देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि एडम को कार्ड की असली वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि वो उन कार्ड्स को $500 में बेच रहा था। तभी वहां पर शॉप असिस्टेंट ईवा आती है और वो एडम को बताती है कि
कि वो कार्ड्स $500 के नहीं बल्कि उसका हर कार्ड $6,000 का है। इससे एडम ईवा को पसंद करने लगता है। फिर ईवा एडम को बाहर ले जाती है और अपनी बोरिंग जॉब भी छोड़ देती है। इससे बात करने पर एडम उससे झूठ बोलता है कि वो अलास्का से आया है। उसके लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो दो कार्ड के बदले ईवा को एक होटल तक चलने के लिए कहता है। इस होटल के बारे में उसे उसकी माँ ने बताया था। ईवा मान जाती है और उसे होटल छोड़कर वहां से चली जाती है। लेकिन अगले सुबह ईवा फिर से एडम के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कार्ड्स नहीं रख सकती, इन कार्ड्स पर मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए ईवा कार्ड्स देकर वहां से जाने लगती है। एडम ईवा की ये बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा चाहने लगता है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ईवा नहीं रुकती क्योंकि उसे एक नौकरी की तलाश थी। एडम ईवा को अपने लिए 2 हफ्ते काम करने के लिए कहता है, जिस पर ईवा 1 हफ्ते का $1,000 बोलती है। एडम मान जाता है। अब ये लोग अलग अलग जगहों से उसकी माँ का लिखा हुआ सामान खरीदने लगते हैं। दरअसल एडम को 2 सालों का सामान खरीदना था। साथ ही साथ एडम ईवा से उसके लिए वाइफ ढूंढने में भी हेल्प मांगता है। लेकिन लड़की सिर्फ कैलिफोर्निया की होनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ अच्छी होती हैं। अब एडम शादी के लिए कार चलाना भी सीखता है। उसके बाद ईवा एडम को अपने दोस्त ट्रॉय के पास भी लेकर जाती है, जो कि एक गे है। ईवा एडम को ट्रॉय के पास इसलिए लेकर जाती है ताकि वो एडम का मेकओवर करके उसे लेटेस्ट फैशन सिखा सके। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि केल्विन सो रहा है और हेलेन उसे सोता हुआ देखकर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है। लेकिन वहां पर वो होमलेस आदमी बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा होता है और वो अपने साथ कई साथियों को भी लेकर आया था। अब हेलेन जब लिफ्ट से ऊपर आती है तब वो होमलेस आदमी पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो हेलेन बताती है कि मैं एक माँ हूँ। तो वहां पर बैठे सभी लोग बहुत श्रद्धा से बोलते हैं कि माँ आ गई, माँ आ गई। दरअसल वो सभी लोग हेलेन को भगवान समझ रहे होते हैं। लेकिन ये सब देखकर हेलेन डरकर वापस नीचे बंकर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईवा और ट्रॉय एडम को स्केटिंग के लिए लेकर जाते हैं, जो वो अपने बंकर में बहुत समय से करता आ रहा था। फिर वो पहली बार समुद्र में जाता है और पहली बार बेसबॉल मैच लाइव देखता है। इतना ही नहीं, बारिश भी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जब ईवा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है तो वो उसे अप्रिशिएट करने के चक्कर में एम्बैरस कर देता है। फिर ट्रॉय और ईवा उसे क्लब लेकर जाते हैं जहां उसे शायद वाइफ मिल जाए। एडम काफी चार्मिंग था, इसलिए उसे वहां एक लड़की मिलती है जिसके साथ में वो फ्रेंच में बातें करता है। लेकिन इससे ईवा इरिटेट हो रही थी और वो एडम को वहां से दूर ले जाती है। बाद में एडम अपना डांस टैलेंट दिखाकर सभी को इम्प्रेस करता है। लेकिन ईवा को ये सब देखकर जलन हो रही है और वो गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लीब के पास चली जाती है। अब ईवा को क्लीब के साथ देखकर एडम को भी जलन होने लगती है, इसलिए वो उनके पास जाता है जहां पर एडम और क्लीब के बीच में बहस हो जाती है, जिस वजह से ईवा का बॉयफ्रेंड क्लीब एडम को मारने की कोशिश करता है। अब यहां पर एडम को बॉक्सिंग स्किल दिखाने का मौका मिलता है, जो कि उसके डैड ने उसे बचपन से सिखाई थी। क्लीब वहां से डर कर चला जाता है। इसके बाद ईवा भी एडम को अकेला छोड़कर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब ट्रॉय अकेला घर पर आता है तो ईवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत ही एडम को ढूंढने के लिए भागती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं एडम फिर से खो ना जाए। लेकिन अचानक से एडम वहाँ पर आ जाता है और ईवा एकदम से डर जाती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। अब ईवा की चोट पर दवाई लगाते समय ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। एडम कहता है कि मैंने क्लब में सभी लड़कियों की रिक्वेस्ट इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और वो ईवा को अपनी पिछली जिंदगी का सारा सच बता देता है। वो कहता है कि 35 सालों से वो बंकर में था, वो उससे शादी करना चाहता है और वो कहता है कि शादी के बाद ईवा उसी के साथ बंकर में रहे। ईवा को लगता है कि एडम की दिमागी हालत खराब है और वो उसे जाने के लिए कहती है। इसके बाद अगले ही दिन एडम उस बार को भी ढूंढ लेता है जिसके अंदर उसका बंकर है। वो बहुत खुशी खुशी ये बात ईवा को बताने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन जब वो ईवा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ईवा ने उसके लिए एक दिमागी डॉक्टर को बुलाया हुआ है क्योंकि वो एडम को पागल समझ रही थी। वो सब एडम को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे लेकिन एडम किसी तरह से वहां से भाग जाता है और जाते जाते ईवा से कहता है कि होटल का बिल पे कर देना, साथ ही वहां पर मेरा सामान है, तुम उसे कलेक्ट कर लेना। अब ईवा और उसका गे दोस्त ट्रॉय वो दोनों के दोनों होटल में एडम के रूम में जाते हैं, जहां पर उन्हें उसका बहुत सारा सामान मिलता है और ये सारा का सारा सामान 1960 का होता है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि एडम जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। यहां पर IBM कंपनी के शेयर्स भी होते हैं जो एडम के पिता ने सन 1960 में खरीदे थे और अब उन शेयर्स की कीमत करोड़ों में होती है। वहीं एडम बंकर में पहुंच जाता है जहां पर वो आज पूरे 14 दिनों के बाद आया है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ऊपर जो होमलेस आदमी रहता था वो भी नीचे आ जाता है। अब एडम यहाँ पर कई सालों के लिए खाने की सप्लाई लाया होता है। यहाँ पर जो होमलेस आदमी और उसके साथी होते हैं वो सभी सामान को भी बंकर में नीचे उतारने में मदद करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ईवा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त ट्रॉय के साथ एडम को पूरे शहर में ढूंढ रही होती है और आखिरकार उसे एडम दिख जाता है। वो एडम के गले लग जाती है, जिसके बाद एडम ईवा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बंकर में नीचे लेकर जाता है। ईवा जल्द ही एडम के पेरेंट्स से घुल मिल जाती है। एडम के पिता बंकर को 10 सालों के लिए बंद करना चाहते हैं, पर एडम अपने डैड से कहता है कि मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए, मुझे कुछ चीजों को ठीक करना है, और वो 2 महीनों के लिए ईवा के साथ बंकर से निकल जाता है। इसके पिता 2 महीनों के लिए बंकर को बंद कर देते हैं। एडम अपने डैड के IBM के शेयर्स को बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेता है और अपने पेरेंट्स और अपने लिए शहर से दूर एक जगह पर बहुत प्यारा सा घर बनाता है, और ये घर ठीक उसी तरह से होता है जैसे 1960 में उनका घर हुआ करता था। इसके बाद वो अपने मोम डैड को इसी घर पर ले आता है और अब वो अपने पिता को बताता है कि 1960 में कभी भी परमाणु वॉर नहीं हुआ था और उनके घर के ऊपर जो गिरा था वो एक फाइटर प्लेन था जो क्रैश हो गया था। सोवियत यूनियन भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन उसके पिता उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होते और अपने घर के पीछे एक नया बंकर बनाने का प्लान करते हैं। और ईवा अपनी एंगेजमेंट रिंग पहले डॉक्टर केल्विन को अजीब हरकतें करते हुए देख रही थी, और इसी के साथ ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।